हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बंटी सोनी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी को भी फेक नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फेक नंबर से कॉल करना दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है। और हम सबसे पहले हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। और ये मैंने प्ले स्टोर ओपन करा और दोस्तों हम सबसे पहले ऊपर सर्च बार में हम सर्च करेंगे स्पूफ कॉलर आईडी। तो दोस्तों ये हमें प्ले स्टोर पर सर्च करना है। और जैसे हम स्पूफ कॉलर आईडी सर्च करेंगे हमारे सामने एक ऐप आएगा जिसका नाम है कॉल स्पूफर। तो दोस्तों इस ऐप पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें ये ऐप हमें हमारे फ़ोन में डाउनलोड करना है। और दोस्तों इस ऐप की रेटिंग भी अच्छी है, 4.2 की इसकी रेटिंग है। और ये मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करके इस ऐप को ओपन करूँगा। तो दोस्तों ओपन करने के बाद इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। ऊपर कॉलर आईडी 2 और दोस्तों इस तरीके का इसका इंटरफेस है जो कि एकदम नॉर्मल है, सिंपल है। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ आता है यहाँ पे रेडी। तो दोस्तों रेडी का मतलब ये है कि हम किसी को भी फेक नंबर से कॉल करने के लिए रेडी है। कई बार दोस्तों यहाँ पे रेडी लिखा हुआ नहीं आता, कई बार यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब हम अभी रेडी नहीं है। तो दोस्तों हमें इसमें रजिस्टर करना कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे अपने आप ये हमारे नेट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए और अपने आप यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। और दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉलर आईडी का। तो दोस्तों कॉलर आईडी का ऑप्शन ये है कि हमें यहाँ पे फेक नंबर सेट करने हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ये मेरे फेक नंबर्स डाल दूंगा, 0 0। मैंने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे फेक नंबर्स इसमें सेट कर दिए। और उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन इसमें आता है टू का। तो दोस्तों टू का मतलब यह है कि हमें जिसे भी कॉल करना है तो हम उसके नंबर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक ये बॉक्स भी बना हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से नंबर ले सकते हैं। और हम यहाँ पे नंबर्स को डायल भी कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे इसमें जरूरी बात यह है कि सबसे पहले हमें हमारे इसमें कंट्री कोड लगाने होंगे। और ये मैंने इसमें मेरे कंट्री कोड इंसर्ट कर दिए। और ये कंट्री कोड लगाने के बाद दोस्तों हमें जिसे भी कॉल करना है उसके हम यहाँ पे नंबर इंसर्ट करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे इसके ये नंबर इंसर्ट कर दिए। और दोस्तों नंबर इंसर्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है डायल का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डायल पे क्लिक करना है। और जैसे मैं डायल पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन अपेयर हो जाएगा कॉल इन प्रोग्रेस, और उसके सामने कुछ टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों आपकी, मैंने इस फ़ोन पे अभी फ़ोन करा था और यहाँ पे 0 0 नंबर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल नंबर है वह नंबर हमारे इसमें शो नहीं होंगे। हम जो भी फेक नंबर्स डालेंगे वो नंबर यहाँ पे इंसर्ट होंगे। और दोस्तों हम हैंगअप पे क्लिक करके हमारे फ़ोन कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम सेटिंग में जाके चेंज वॉइस पे क्लिक करके हम मेल और फीमेल दोनों वॉइस में बात कर सकते हैं हमारी वॉइस को इसमें चेंज करके। और दोस्तों इसमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे बैलेंस है, और अभी इसमें मेरा बैलेंस 0.00। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके बाय क्रेडिट्स करके हम यहाँ से कुछ क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों यह ऐप इन क्रेडिट को परचेस करने के बाद ही सही है, वरना दोस्तों हमें इसमें बैलेंस नहीं होगा तो हम किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर हमें फ्री में इसके क्रेडिट चाहिए तो ये इसमें हमें कुछ शॉर्ट सर्वेज रहते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। तो इन्हें कंप्लीट करने के बाद हमें इसमें कुछ बैलेंस मिल जाता है।